रहेगी भाजपा सरकार या बदलेगा 27 साल का इतिहास, आएगी आम आदमी पार्टी या जनता जाएगी कांग्रेस के साथ। गुजरात में 27 साल के बाद क्या हाल है, जन जन से जाने और आपको मूड बताएं कि जनता क्या सोचती है। 27 साल गुजरात का हाल, ये अभी अभी नाव से उतरा है, ये चीज क्या है? इसको इंग्लिश में लॉबस्टर बोलता है, लॉबस्टर हमारी भाषा में इसको टीटन बोलता है, टीटन हाँ। गुजराती में टीटन, हाँ टीटन है। ये क्या चीज है? ये झींगा प्रजाति, झींगा प्रजाति है हाँ। मगर बड़ी प्रजाति है झींगा। अच्छा झींगा हाँ। इसकी क्या क्वालिटी बहुत अच्छी मानी? बहुत अच्छी मानी जाती है, इसकी क्वालिटी खाने में बहुत अच्छा है। ये एक्सपोर्ट होता है, अपना बम्बई में चलता है, दिल्ली में चलता है और बाहर सिटी में भी चलता है और विदेशों में भी चलता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। हर कितने रुपए किलो बिक जाता है ये? कभी कभी इसका 500 रुपया रेट है, कभी 400 रुपया और कभी 1500 रुपया रेट बढ़ जाता है। जब नहीं मिलेगा एक बोट जाएगा, 2 किलो मिलेगा, ऐसा संख्या करेगा 100 बोट का, 200 किलो हुआ तो भाव बढ़ गया इसका। अच्छा, जैसा डिमांड वैसी सप्लाई पर है। तो फिर आप लोग क्या परेशान है जब इतना महंगा बिकी रहा है, फिर मछुआरों को क्या समस्या? इसके पीछे लाखों रुपये का जाली डालना पड़ता है। एक जाली 1000 में तैयार होता है, 100 जाली डालेगा तभी इतना टीटन आएगा। और उसके पीछे 6 आदमी परेशान, बोट परेशान, बर्फ, डीजल, खाने पीने का सामान, ऐसा भी है। अभी ये 4 किलो टीटन आया है ना, समझो वो खर्चा टूटा। 10 किलो टीटन आएगा तो मालिक को समझो 2000 मिलेगा, 2000 में 1000 माली रखेगा और 1000 आदमी को देगा, 100-150 रुपये एक दिन पर दे हुआ। अच्छा, पूरी रात खटने की मजदूरी 150 रुपया हुआ। कभी कभी ऐसा मौसम आएगा तो 5000-4000 8 दिन का मिलेगा, वरना तो 8 दिन में 200-300-800-1000-1500 ऐसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं है। फिशरमैन तो पूरा नीचे ही है। आप नाव पर काम करते रहे हैं, क्या पैसा मिल जाता है, कितनी मजदूरी? कभी कभी 200 रुपये मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता, नहीं भी मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि काम नहीं रहता है। जो मछुआरे है उसके पास पैसा नहीं तो काम कैसे मिलेगा। तो आपने आज तक सबसे ज़्यादा कमाई एक दिन में कतरी की? कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 500-600, इससे ज़्यादा कभी नहीं कमा, नहीं होता है, इसमें धंधा ही नहीं चलता है, इतना नहीं नहीं चलता है। और न्यूनतम 100 रुपये तक और बिना पैसे के? हाँ, बिना पैसे भी गुजारा करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि नदी में गए, समुद्र में गए, समुद्र में गए जी हाँ, फिर वापस आए, वापस आए, माल नहीं मिलता है। माल मिलेगा तो 500 या 200 हाँ। बस इतना ही मिलता है, बाकी खाना पीना मालिक का रहता है, खाना पीना मालिक का रहता है। जो उसमें पैसा नहीं मिलेगा तो मालिक को भी लॉस हो जाता है ना, वो भी कर्जा नहीं देता, पैसा नहीं देता है। जो मच्छी मिलेगा तो उसके हिसाब से पैसा मिलता है। और आगे से डीजल का भाव बढ़ा है, राशन का बढ़ा है, तो मालिक क्या करेगा। और जो ये मोदी सरकार है, मैं उसको आपके द्वारा बात करना चाहता हूँ, जो मोदी साहब है वो 15 लाख रुपये का बोला है, वो कब आएगा उसके हम राह देख रहे हैं। जो 15 लाख आ जाएगा तो उससे हम कुछ बिजनेस करेगा, ये उम्मीद है हाँ, हम ये उम्मीद है सर। अगर 15 लाख आ गया तो आप अपने जीवन का सपना पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे अच्छा स्कूल में, या उसको इस धंधे में नहीं आना पड़ेगा, इस धंधे में नहीं डालेगा, मच्छी के धंधे में नहीं डालेगा सर, और ऊपर काठे पर मजदूरी कर लेगा, मच्छी के धंधे में नहीं डालेगा। ये धंधा होता ही नहीं है मच्छी का भी। अभी आगे कितना डीजल का 500 रुपया तक हो जाएगा। तो आपको इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के 15 लाख का? जी हाँ, वो इंतजार है, वो कब आएगा। जो आएगा तो हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, आपके दिन भी बदलेंगे, बेहतर भी होगा। हाँ जी, अच्छा होगा, मोदी साहब के भी अच्छे दिन आ गए है। अभी पब्लिक कब आएगा वो देखना पड़ता है। तो लेकिन आपने मोदी को पिछली बार वोट दिया था? अब पिछली बार क्या, यहाँ तो वाजपेयी है, 27 साल से वोट दे रहे हैं, 27 साल से यहाँ भी MLA का वाजप का है, हम उसको ही वोट देते हैं। जन ज्वार जनता की।